उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साउथ दिल्ली वाले इस पर, यानी के DND KMP एक्सप्रेसवे पर। और इससे पहले की अपडेट कुछ आधी अधूरी रह गई थी, जिसकी फुल अपडेट आज मैं इस वीडियो में पूरी करने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे में जो 59 किलोमीटर का हिस्सा है, उसमें से चैन एज 9 किलोमीटर यानी के मदनपुर खादर से शुरू होता है पैकेज 2, और पैकेज 2 के हरियाणा सेक्शन पर मैंने ऑलरेडी पहले ही अपडेट दे दी है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। सो आज मैं आपको मदनपुर खादर से हरियाणा सेक्शन की तरफ लेके चलूंगा। पहले की वीडियो में जो चीजें कवर नहीं हो पाई थी, आज मैं वो सभी अपडेट आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ दिखाने वाला हूं। तो आज की वीडियो में काफी बेहतरीन कवरेज किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में अगर पिछली वीडियो के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आरी पैनल्स का काम काफी तेजी से किया जा रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर अप्रोच रोड का काम भी काफी तेजी से किया जा रहा है। और दोस्तों, अगर वहीं पर सामने देखेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन का वर्क भी शुरू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक्सप्रेसवे के लेन के ऊपर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कितना काम यहाँ पर हो चुका है। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा जनवरी 2024 में। जी हाँ दोस्तों, इसकी डेडलाइन तैयार जो की गई है वो है जनवरी 2024। और दोस्तों, अगर हम बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो कंपनी अभी इसको बना रही है, उस कंपनी का नाम है DRA इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे 59 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जिसको माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में बनाया जा रहा है। और वहीं अगर हम इसके ऑनर की बात करें तो इसके ऑनर है NHAI यानी के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में अभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पैरमेंट डाल दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अभी क्रेश बैरियर का काम इसलिए नहीं चल रहा है कि यहाँ पर सेगमेंट लाकर यहाँ पर रखा जा रहा है दोनों साइड में, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, इन सभी सेगमेंट को यहाँ पर क्यों लाकर रखा जा रहा है, इन सभी अपडेट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। क्या कुछ खास काम हुआ है आज, मैं वो सभी इस अपडेट में दिखाने वाला हूँ। और वैसे भी दोस्तों, अभी तक का जो भी अपडेट रहा है काफी बेहतरीन रहा है। बाकी दोस्तों, क्या कुछ इसके बारे में और भी नई अपडेट होने वाली है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं जरा इस एक्सप्रेसवे के बैक साइड में क्या कुछ काम चल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं एक्सप्रेसवे के बैक साइड में आ चुका हूं, और यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जगह जगह पर सिर्फ मिट्टी नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आरी पैनल्स का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। और यहीं इसके अगर साइड में देखेंगे तो यहां पर इको पार्क का काम कितना तेजी से किया जा रहा है। और इस प्रकार से हम लोग फाइनली मदनपुर खादर के क्रॉस चक्कर पर आ गए हैं। दोस्तों, आप यहां पर भी देखेंगे कि पिलर का काम कितना तेजी से किया जा रहा है। और दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है DND के रिंग रोड से। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये फरीदाबाद के रास्ते होते हुए खलीलपुर इंटरचेंज पर जाकर कनेक्ट हो जाता है। खलीलपुर में इंटरचेंज इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मेन अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है, जो सोना से वडोदरा जाकर कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी लेंथ की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे 59 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें इसकी लेन की, तो यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होकर गुजरेगा, जिसमें से एक पिलर पे 3 लेन और दूसरे पिलर पे 3 लेन, यानी कि कुल मिलाकर 6 लेन का एक्सप्रेसवे होकर यह गुजरने वाला है, जिसका काम काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मदनपुर खादर से निकलने के बाद यह सबसे पहले दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन के ऊपर से क्रॉस करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। और दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे स्टार्ट किया जाएगा NH 148 NA के नाम से। और दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें इसके पैकेज 3 की, तो यह एक्सप्रेसवे शुरू कर दिया गया है, जिसको अवार्ड किया गया था अगस्त 2020 में। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, यह एक्सप्रेसवे पैकेज 3 का जो है सेक्टर 65 से खलीलपुर इंटरचेंज KMP तक चालू कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्या कुछ खास अपडेट अभी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह एक्सप्रेसवे भारत माला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। और फाइनली दोस्तों, अगर आप यहां पर देखेंगे तो सर्विस रोड की बात करें, तो यहां पर लेवलिंग का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा देखेंगे तो इस एक्सप्रेसवे का जो लेन है, इसके ऊपर क्रेश बैरियर का काम भी कितना तेजी से किया जा रहा है। और अगर इसकी आरी पैनल्स की बात करें, तो लगभग यहां पर इंस्टॉल कर लिया गया है, और जगह जगह पर यहां पर अप्रोच रोड का वर्क भी किया जा रहा है। और दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें इस एक्सप्रेसवे के एंट्री और एग्जिट की, तो यह कुछ ही जगह पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक इंटरचेंज आपको कालिंदी कुंज पर देखने को मिलने वाला है, जो मैं नेक्स्ट अपडेट में इसके बारे में आपको सही से बताऊंगा। बाकी दोस्तों, इसके अलावा अगर आप जगह जगह पर देखेंगे तो ज्यादातर आरी पैनल्स का काम ही
यहाँ पर किया जा रहा है। और दोस्तों मैं अब आ चुका हूँ मीठापुर के कास्टिंग यार्ड के पास, जिसको लोहिया पुल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पिलर है, इस पिलर का फाउंडेशन का काम हो चुका है, जिसमें रिंग डाल दी गई है और जल्द ही इनमें कंक्रीट भी भरा जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं हम लोग मीठापुर चौक की तरफ और देखते हैं वहाँ पर कितना कुछ काम होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों मेरा तो मानना है कि कालिंदी कुंज में इतना काम देखने के बाद आपको डायरेक्ट मीठापुर चौक पर इससे ज्यादा काम देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस ब्लू टीन से घेर कर इसके अंदर इस रूट में जितने भी मटेरियल जो सप्लाई किए जा रहे हैं वो यहीं से बनाकर सप्लाई किए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों इसके अंदर कई सारे बड़े से बड़े प्लांट का भी उपयोग किया गया है, जिसको देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम बहुत ही ज्यादा तेजी से किया जा रहा है। और फिर फाइनली दोस्तों हम लोग मीठापुर चौक पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पिलर का काम कितना तेजी से किया जा रहा है। और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डबल लाइन है। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि 6 लेन का एक्सप्रेसवे ये होने वाला है, जिसमें से एक पिलर पर 3 लेन और दूसरे पिलर पर 3 लेन रहने वाला है। तो दोस्तों इससे आगे की अपडेट और कालिंदी कुंज से मीठापुर चौक तक की लेटेस्ट अपडेट एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों आज की अपडेट थोड़ी शॉर्ट रही है, जिसमें सिर्फ लेटेस्ट अपडेट को कवर किया गया था। बाकी दोस्तों बहुत जल्द मैं इस पे फुल अपडेट लेके आने वाला हूँ, जिसमें विस्तार से आपको कालिंदी कुंज से लेकर मीठापुर चौक तक की अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और मेरे द्वारा दी गई अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।